और आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बीबीयू के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। विश्वविद्यालय के नवम दीक्षांत समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आज इस शुभ अवसर पर विश्वविद्यालय की ओर से डॉक्टर लता वाजपेयी सिंह, हमारे मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, भारतीय गणतंत्र की प्रथम महिला माननीय श्रीमती सविता कोविंद जी, विशिष्ट अतिथि माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदी बेन पटेल जी, विशिष्ट अतिथि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय कुलाधिपति बीबीएयू डॉक्टर प्रसाद सिंह बटोनिया जी एवं माननीय कुलपति बीबीएयू प्रोफेसर संजय सिंह जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आप सभी माननीय अतिथियों की साक्षात उपस्थिति से आज विश्वविद्यालय के सभागार का ये मंच अत्यंत भव्य प्रतीत हो रहा है। ये एक सुखद अनुभूति है जिसको शब्दों में व्यक्त करना सहज नहीं है। मैं दीक्षांत समारोह में उपस्थित सभी विद्यार्थियों, शिक्षक एवं कर्मचारी गणों तथा सभी सम्मानित मान्य गणों का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। अब राष्ट्रगान होगा। सभी उपस्थित छात्र छात्राएं, शिक्षक गण तथा अतिथिगण अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। अब मैं मंचा की सभी मान्यगणों से दीप प्रज्वलन का विनम्र आग्रह करती हूँ। दीप ज्योति परम ब्रह्मा, दीप सर्वतमोपह, दीपेन साध्यते सर्वम्, संध्या दीप नमोस्तुते। यह एक दीपक की रोशनी है जो सारे अस्तित्व में व्याप्त है। एक दीपक सारे अंधकार को दूर कर देता है। दीपक से ही सब कुछ पाया जा सकता है। यह दीपक जो परिवर्तन को दर्शाता है, मैं इसको नमन करती हूँ। सभी का हार्दिक धन्यवाद। अब मैं कुल गीत के लिए विद्यार्थियों को आमंत्रित करती हूँ। साथ ही मैं सभागार में उपस्थित सभी मान्यगणों से कुल गीत हेतु अपने स्थान पर खड़े होने का सविनय निवेदन करती हूँ। हमारे बहुत से विद्यार्थी ऑनलाइन माध्यम से दीक्षांत समारोह में हमसे जुड़े हुए हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करती हूँ कि कृपया अपने संबंधित स्थानों पर खड़े।
जनजीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।